झारखंड से हैं इंदु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। सबसे भी नमस्ते मैम। स्वागत। सवाल है मैम, थोड़ा लिख लीजिए मैम। मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो शुगर के लिए तो सारा दवाई जो जामुन को नसीबता जैतून का नमक भी दे रहे हैं। कैसी तबीयत है? नमस्ते सर। हाँ बेटा, कैसी तबीयत है आपके हस्बैंड की ये लेने के बाद? अभी ठीक है सर, बहुत फायदा हुआ सर। और काला गोंद भी दिए सर, वो भी घुटने का दर्द सर अभी बहुत आराम है, 15 दिन से ऊपर हो गया दवाई खाए हुआ सर। और उनका शुगर भी सर नॉर्मल हो गया, बीपी भी नॉर्मल हो गया सर। ठीक है ठीक है। और कोई सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल है सर, सर मेरा एक ही किडनी है सर, गैस बहुत होता है, लेकिन हम जैतून के नमक जैतून का सिरका ले रहे हैं सर, लेकिन सर हम पी4 के छुल भी दिए हैं सर, वो भी खाते हैं सर, लेकिन गैस किडनी से सर दाहिना पाँव में सर मेरा दर्द से नीचे आ जा रहा है, और गैस के लिए कुछ और उपाय बता दीजिए सर। वो कैप्सूल सर हम 2 टाइम बोले, दोनों टाइम दे सकते हैं सर? ठीक है जी। बहुत मुबारक है आपके हस्बैंड को, भगवान ने फ़ायदा दिया तो उसका बड़ा शुक्र आप भी करें और मैं भी करता हूँ। उनको देते रहें ये नुस्खा, और पीकेयर कैप्सूल आपने फरमाया कि 2 बार ले सकते हैं या नहीं, तो आप 2 बार ज़रूर ले सकते हैं। और अगर टांग में आपकी दर्द आ रहा है, पैर में या कमर में कहीं भी, तो ये गौंसिया जो आपके हस्बैंड ने खाया, आप भी आधा आधा ग्राम 2 बार ले सकते हैं, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और पेट की समस्या अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप एलोपैथिक इलाज भी साथ में कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा हो, उससे भी फ़ायदा ना हो, मेरी दवा से मशवरे से फ़ायदा ना हो, तो आप एक बार पेट की सोनोग्राफी करा सकते हैं। पेट की जांच कराते हैं ना, वो लगा के तो अंदर का सब दिखता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी भी सूरत किसी मरीज़ को फ़ायदा नज़र ना आए तो सोनोग्राफी करानी चाहिए, और ऐसे मरीजों को अक्सर पित्त में पथरी भी हो सकती है जिनको किसी भी दवा से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता।